हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में महिला का शरीर जल्दी रिकवर हो जाता है, साथ ही जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तभी महिला की डिलीवरी होती है, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलने के लिए तैयार होता है तभी माँ को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को बहुत समय तक अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, उनका शरीर जल्द ही नॉर्मल शेप में आ जाता है। उन्हें बहुत परहेज करने के भी निर्देश नहीं दिए जाते। नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को कभी कई फायदे मिलते हैं। डिलीवरी के दौरान महिला के शरीर में कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरता है। इस कारण शिशु की छाती साफ होती है और उसमें सांस संबंधी समस्याएं का जोखिम बहुत कम रहता है। इसके अलावा योनि से जन्म लेने वाले शिशुओं को माइक्रोबायोम नामक एक सुरक्षात्मक जीवाणु मिलता है जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए। तो पहला काम है, प्रेगनेंसी के दौरान मीठा या चटपटा खाने की इच्छा होती है, ऐसे में क्रेविंग दूर करने के चक्कर में चॉकलेट, चाइनीज, पिज्ज़ा जैसी अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं, इससे आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलाकर क्रेविंग को दूर करें। बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन प्रेगनेंसी में आप जितनी एक्टिव रहेंगे नॉर्मल डिलीवरी के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। हालांकि कोई भारी चीज़ उठाने या झुकने का काम ना करें। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो काम के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ने के कारण महिला मसल स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से वे नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेशर सहन नहीं कर पाती। इसके लिए महिलाओं को तेल मालिश करनी चाहिए ताकि उनका शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। एक्सरसाइज और मसाज है फायदेमंद। प्रेगनेंसी में नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेकर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के सातवें महीने के बाद गर्भवती महिला अपने शरीर के निचले हिस्से की मालिश शुरू कर सकती है, इससे भी डिलीवरी में आसानी होती है और सामान्य डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। नेगेटिव बातें ना सोचें। प्रेगनेंसी के दौरान जहां तक संभव हो नेगेटिव बातों से दूर रहें। डिलीवरी से जुड़ी सुनी सुनाई नेगेटिव बातों और किस्सों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। याद रखें कि हर महिला का अनुभव अलग हो सकता है, इसे दूसरों के बुरे अनुभवों की वजह से अपने भीतर डर पैदा ना करें। बेहद जरूरी है कि आप डिलीवरी और लेबर के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करें, इससे गर्भवती महिला को प्रसव क्रिया में अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। स्ट्रेस से दूर रहें। नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हर तरह के तनाव और स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वे चाहें तो मेडिटेशन कर सकती हैं, म्यूजिक सुन सकती हैं, किताबें पढ़ सकती हैं या फिर योग कर सकती हैं। अपनों का साथ गर्भवती महिला को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा अपनों के साथ रहें ताकि किसी भी तरह के स्ट्रेस ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देते हैं। अगर आपकी पिछली डिलीवरी नॉर्मल हुई हो, अगर आपको पहले से कोई बीमारी ना हो जैसे अस्थमा जिसकी प्रसव के दौरान बढ़ने की आशंका होती है, अगर आपका वजन सामान्य है, न ज़्यादा है न कम है, क्योंकि ओवरवेट होने पर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकली एक्टिव रही हो, अगर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।